हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव गपशप। आई होप यू आर वेरी वेल। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लाओ और एक कड़क पर्सनालिटी बनाओ, तभी लड़कियां कदम चूमेगी भाई। दोस्तों, हमारे साथ काफी बार ये होता है, मोटिवेशन की स्टोरीज पढ़ते हैं और मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर एक तुरंत ही करंट सा पैदा हो जाता है कि आज तो फाड़ ही दूंगा, अब तो खेल जाऊंगा भाई। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय बीतता है ना, तो जो हमारे अंदर करंट पैदा होता है ना कुछ तूफानी करने का, वो एकदम ही लो हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप इस पर शुरू से एंड तक ध्यान से फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस तो लाओगे ही, और इसके साथ साथ अपनी एक कड़क पर्सनैलिटी बनाओगे। और जहां तक लड़की पटाने की बात है, आपसे लड़की नहीं पटेगी, लड़कियां पटेगी, और लड़की झक मार के आएगी, लड़की आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर कि कॉन्फिडेंस लाए कैसे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपके अंदर का वो आत्मविश्वास होता है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए राजी करवाता है, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल हो। अगर आप उस काम को करने के लिए अपनी हामी भर देते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस ही है, जिसकी बदौलत आप वो मुश्किल काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये होता है कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस को लाए कैसे। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, कॉन्फिडेंस को लाया नहीं जाता, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो वो चीज है जो सबके अंदर होता है, किसी के अंदर कम होता है तो किसी के अंदर ज्यादा होता है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई कैसे करें, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें। दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप करना है आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए, दोस्तों सबसे पहला आपको स्टेप करना है अपनी शाइनेस को दूर करना है। दोस्तों, शाइनेस आपका एक वो डर है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लो करता है। दोस्तों, हम बंद कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं शर्माते, लेकिन लोगों के आगे, स्पेशली लड़कियों के आगे बहुत ज्यादा शर्माते हैं। दोस्तों, शाइनेस हमारी लाइफ की वो एक दीवार है जो हम खुद ही बनाते हैं, और इस दीवार को तब ज्यादा मजबूती मिल जाती है जब हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, अपनी एक एज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमें एहसास हो जाता है, फिर हम इस दीवार से निकलने की कोशिश करते हैं, इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, शाइनेस को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम हो चुका होता है। तो दोस्तों, शाइनेस को अभी दूर करो, शर्माना बिल्कुल ही बंद कर दो। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई सलमान को पसंद करता है तो कोई आमिर को पसंद करता है, तो कोई वरुण धवन को पसंद करता है तो कोई रणवीर सिंह को पसंद करता है, क्योंकि इन सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं। किसी को कोई क्वालिटीज पसंद होती है तो किसी को कोई। तो दोस्तों, आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, या कितने भी बोरिंग हो, या फिर कितने भी अट्रैक्टिव हो, या फिर कितने भी मैच्योर हो, आप हर लड़की को या हर व्यक्ति को पसंद नहीं आओगे, कोई ना कोई आपको जरूर नापसंद करेगा। तो अगर आप लोगों की नापसंद से भागोगे तो अपनी शाइनेस को और बढ़ा लोगे, लेकिन अगर आपने लोगों की इस नापसंद को एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आप अपनी शाइनेस की दीवार को वहीं तोड़ दोगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर नहीं होगा। कोई आपको पसंद करे या ना करे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, लोगों की रिजेक्शन को अपनाओ और कॉन्फिडेंस की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब भी किसी बड़े एक्टर की फिल्म फ्लॉप होती है, वो तब भी दोबारा फिल्म बनाता है, और जब भी कोई बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म चलता है, वो दोबारा भी फॉर्म में आता है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए या हाई करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना ही होगा, और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट, जब आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी लड़की से बात कर रहे होते हो, तब आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है, और घूरना नहीं होता है भाई, नॉर्मली देखना होता है। और सेकंड, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो, या किसी का वेट कर रहे होते हो, या कहीं भी खड़े होते हो, तो कभी भी पैरों को चिपका के नहीं रखना होता है, उनमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है। अगर आप दोनों पैरों को चिपकाकर खड़े होंगे तो ये आपकी नर्वसनेस को दिखाता है, तो आपको जब भी खड़ा होना है दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आप अपने आप को मिरर के सामने ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व करना मतलब अपने आप को बारीकी से देख सकते हो, अपने आप को रिव्यू कर सकते हो, अपने आप को समीक्ष कर सकते हो। फोर्थ, जब आप लड़की से या किसी से भी बात करो तो इस चीज का ध्यान रखो, जो आपके हाथ है वो ना ही पीछे होने चाहिए, और ना ही वो फोल्ड करे हुए होने चाहिए, और ना ही जेब के अंदर होने चाहिए। और अगर आपको बात करते वक्त हिलने डुलने की आदत है, या फिर इचिंग करने की आदत है, तो इसे सुधारो, और उस वक्त तो बिल्कुल ही अवॉइड करो जब आप किसी भी लड़की से बात कर रहे होते हो, ये भी आपकी नर्वसनेस को दिखाता है।
दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको बताया उससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हो और अपनी एक कड़क पर्सनैलिटी बना सकते हो, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है इससे भी आप अपनी कड़क पर्सनैलिटी बना सकते हो और लड़कियों को अपनी तरफ ला सकते हो, लड़कियों से कदम चुमवा सकते हो। दोस्तों हमारे साथ इस एज में ही ज्यादातर होता है, ये जो 17 से 24 25 साल की एज होती है ना, इसमें हमें लड़की का ऐसा फितूर चढ़ जाता है, मतलब हम लड़की के कतई दीवाने से हो जाते हैं और हम लड़की की ओर देखते हैं और लड़की ने एक बार लाइन क्या दे दी, चाहे वो बगल वाले लड़के को ही दियो। अब भाई लाइन चाहे किसी को भी दियो, आपके बगल वाले लड़के को दियो या आपको दियो, लेकिन फिर जो आपको उस लड़की को पटाने का जुनून चढ़ जाता है ना, या फिर किसी भी लड़की को पटाने का जुनून चढ़ जाता है, आपके मोहल्ले में हो या आपकी फ्रेंड हो, आपकी स्कूल फ्रेंड हो या आपकी कॉलेज फ्रेंड हो या आपकी नॉर्मली फ्रेंड हो, इसका पूरा पूरा श्रेय हमारी फिल्मों को जाता है, चाहे वो साउथ की मूवी हो या फिर बॉलीवुड की मूवी हो। इन फिल्मों के जो स्टोरी राइटर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है ना, कोई भी हो, इसके पीछे ये पैसा कमाने के लिए ना अपनी सीमा ही लांघ देते हैं। मतलब पब्लिक को तो ये पैसों का नुकसान करते हैं, लेकिन हम जैसे नौजवानों को तो ये दिलों का नुकसान कर देते हैं। मतलब आंखों आंखों में ही इकरार हो जाता है और आंखों आंखों में ही प्यार हो जाता है, और एक बंदा 50 लोगों की पिटाई कर देता है, अबे भाई हीरो है या सुपर हीरो है? भाई ये सब फिल्मी सीन होते हैं, यहाँ 2 मिनट में लड़की पट जाती है और 2 घंटे बाद हीरो बाप भी बन जाता है। इतना आसान नहीं होता भाई। और आप चाहते हो लड़की आपके कदम भी चूमे, मतलब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लड़की जैसे तैसे आए और पट जाए, इसके लिए आपको सक्सेसफुल बनना पड़ता है, कुछ करके दिखाना होता है, कुछ बन के दिखाना होता है, मतलब भाई बहुत कुछ तूफानी करना पड़ता है, तभी लड़कियां पीछे पड़ती हैं भाई। तो भाई इन फिल्मी बहकावों में मत आओ, इनका तो काम होता है पब्लिक को थिएटर तक खींच के लाना, तुम कहां खींचे चले जा रहे हो भाई। इसलिए अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, और मुझे भी अपनी औकात में रहने दो, और रियलिटी में जीना सीखो। और ये जो तुम पढ़ाई धंधा छोड़ के लड़की के पीछे पड़े हो, तो ये बात ध्यान रखो, अगर लड़की पटती है तो उसे पटाओ, नहीं पटती तो उसे अपनी लाइफ से कटाओ, और लड़की के आगे बिल्कुल भी बेचारा मत बनो, कोई भी लड़की घास नहीं डालने वाली। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने ओपिनियन लिया करो, हमेशा लड़की की हाँ में हाँ मत मिलाया करो, लड़की की परछाई बनकर मत जियो, और लड़की को अपनी परछाई की इतनी छांव दो कि वो इधर उधर लड़कों को देखने से पहले 10 बार सोचे। तो दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि अपनी कड़क पर्सनैलिटी कैसे बनाएं और लड़कियों से कदम कैसे चुमवाएं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दो, मुझे पता है आप वीडियो को लाइक तो जरूर ही करोगे, मैंने आपको 3 चीजें बताई है तो मैं आपसे सिर्फ 2 चीज मांगूंगा। पहली चीज तो है भाई वीडियो को शेयर करो, क्योंकि भाई ये वीडियो आपके दोस्तों में जानी चाहिए, क्योंकि जो लड़के कतई मजनू बने बैठे हैं और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कतई लो है, उन लड़कों में ये वीडियो जानी चाहिए। और दूसरा जो काम है वो है भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाए। और भाई वीडियो के नीचे ना अपना फीडबैक जरूर देना,